भाई आई एम इम्प्रेस्ड है। इन लोग का खाना इतना इतना अच्छा होता है ना, और हम लोग का खाना उतना ही घटिया, महा घटिया, खा नहीं पाओगे खाना। मतलब एक रोटी खाओ उसके बाद फेंक दो, ऐसा कंडीशन है। रोटी तो एक तो पापर होता है, इनका रोटी देख भाई साहब इतना पका हुआ, भाई हम लोग का कच्चा होता है रोटी। ओहो, और ये भिंडी का भुजिया फेवरेट, दाल चावल रोटी ग्रीश। दूसरा ले लिया हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे को लगा बेसिक क्वेश्चंस लिखा था, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री मेरे को लगा, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट पूछेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या स्ट्रक्चर्स पूछेंगे। भाई साहब जब शुरू हुआ एग्जाम, इट वाज लाइक आइसोमेरिज्म और क्या क्या खतरनाक यार, क्या नाम था यार वो तो याद भी नहीं है मेरे को। मतलब यार इतना भयानक सा एक्सपीरियंस, लाइक ओ हो। गाइज यार आज है अपना एमकेट का एग्जाम और अभी 7:57 हो रहा है और 9:00 से, तो फटाफट से चलते हैं कॉलेज और फिर मिलते हैं ग्रीष्मा से और बैक टू एग्जाम। गाइज यार एक चीज कभी समझ नहीं आता है, कॉलेज का कल एग्जाम है, आज देगा डेट सेट कि भाई कल एग्जाम है, भाई क्या ही करना है फिर तो। पर ग्रीष्मा अभी तक आई नहीं है, उसको बोल दिए थे कि आ जाना है टाइम पे, बट यार हम ऐसे ही बहुत लेट हैं, उसको वो नहीं बोलना चाहिए अभी क्योंकि वो मेरे को 8:00 बोली थी और नाउ इट्स लाइक 8:26, तो हम ही लेट आए तो वो आई नहीं। ठीक है अब ग्रीष्मा का वेट करते, फटाफट आएगी तो फिर जल्दी से कुछ ठूसेंगे और फिर भागेंगे यार। 9:00 से एग्जाम है, ओनली 30 मिनट गैप, पता नहीं कैसा होगा। और गाइस अब आपको दिखाने का टाइम आ गया है किसी को, ये देखो। अच्छा पेट पूजा का टाइम आ गया गाइस और आई एम वेरी हैप्पी, अब सेटिस्फाई होगा मेरा पेट। हाँ यार गाइस सुबह सुबह इतना अच्छा नाश्ता यार, ओहो। और आंटी हमारा चाय, ये रहा चाय और ये रहा नाश्ता और ग्रीष्मा फिर ये रहा स्प्राउट्स। यार ये तो अभी नहीं हो पाएगा, नो नॉट पॉसिबल। भाई यार इतना ज्यादा रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस कौन रखता है यार, अब एक गाइडलाइन का वो दिया है, अब वो गाइडलाइन साइन करवा के लेके जाओ, लाइक एक बार तुम बैठ गए तो दोबारा नहीं बैठ पाओगे यार, इतना इतना ज्यादा यार बहुत ही अजीब लगता है यार जब ऐसा कोई बोलता है ना कि तू 7-8 लाख रुपया फेंक के तो बस एक ही कंपनी में बैठ सकते हो। वाह, और इस तरफ हमारा क्लास चलता है और ये वॉकवे है और जल्दी से जाके अब यार हम मिलेंगे 1:00 के बाद, इससे पहले कोई सीन ही नहीं बन रहा है, या हो सकता है उससे पहले अगर एग्जाम दे के कुछ समझ नहीं आया तो निकल जाएंगे जरूर, अदरवाइज तो फिर मिलते हैं एग्जाम होने के बाद। अभी जा रहे जल्दी से जेरोक्स लेंगे एंड शी विल गो टू रूम बिकॉज उसका एग्जाम 5 to 9 PM है और उस समय हम होंगे नहीं यहाँ पर, तो ठीक है गाइस मिलते हैं, बाय बाय। भाई एग्जाम खत्म हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन यार, लाइक ऐसा सॉल्व हो गया यार, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि लास्ट डोमेन वो पूछा 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स, तो एक तो नॉर्मल था कंप्यूटर साइंस और दूसरा ले लिया हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे को लगा बेसिक क्वेश्चंस लिखा था, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री मेरे को लगा, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्ट्रक्चर्स पूछेंगे। भाई साहब जब शुरू हुआ एग्जाम एंड इट वाज लाइक आइसोमेरिज्म और क्या क्या खतरनाक यार, क्या नाम था यार वो तो याद भी नहीं है मेरे को। मतलब यार इतना भयानक सा एक्सपीरियंस, लाइक ओ हो। और अभी ग्रीष्मा का वेट कर रहे हैं, उसको हम पहले ही बता देंगे भाई मत लियो केमिस्ट्री, क्योंकि वी बिलीव कि केमिस्ट्री अच्छा है और फट गया। और जो हम इतना सिंपल क्वेश्चन बोले लाइक ऐसे सॉल्व हो जाएगा, भाई ऐसे सॉल्व नहीं होगा, टफ था, उतना भी नहीं था बट हाँ टफ था, नॉर्मल था। 10 मिनट हो गया, नो साइन ऑफ ग्रीष्मा, ग्रीष्मा रेड्डी इज गायब भाई। ए ग्रीष्मा रेड्डी वेयर आर यू गाइस? यार तो अभी आ चुके हैं जल्दी से रूम में क्योंकि पेट पूजा करना यार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुबह में बस वाटरमेलन खाए थे और इट्स लाइक 12:50 हो रहा है तो अब जल्दी कुछ खाना पड़ेगा। और ग्रीष्मा भी आ चुकी है, ये रही, और ये हमारा प्लेसमेंट पॉलिसी है जिसमें वो फोटोग्राफी कर रही है,
यार इतना गंदा प्लेसमेंट पॉलिसी, मतलब एक हिसाब से सही है क्योंकि कॉलेज उतना बड़ा नहीं है तो दे कांट गिव लॉट्स ऑफ प्लेसमेंट, बट अब ऐसा है कि अगर आप 5 लाख में भी सिलेक्ट हो गए तो यू कांट अप्लाई फॉर इवन 7 or 10 lakhs, यू आर जस्ट लाइक एक पे अप्लाई हुआ तू निकल, समथिंग लाइक दैट द पॉलिसी इज. हाँ वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट आई गेस लाइक दे विल अलाउ फॉर सुपर ड्रीम कंपनी जो कि 10 lakhs एंड अबव पैकेज देते हैं सबको, बिकॉज दैट इज एवरी वन ड्रीम नो, तो वो तो अलाउ होगा. उसका अलावा सब होगा बाकी सिकॉट फूड फॉर मी, और पानी पी रही है अभी एक, हाँ पानी पी लिया. यहाँ से चलवा के ATM इज समथिंग लाइक 0.5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर होगा ना, गाइस देखो हम गाइस आप ही बोलो, पहले बोला है कुछ ना हो लेके आए हैं, फिर बोलता है रूम से लो, रूम से लेके आए हो, फिर बोलता है रूम से, बट यार फिर से वापस आना पड़ा 33 ब्लॉक में, 33 ब्लॉक इज लाइक वे टू फार. अच्छा 33 ब्लॉक इज द लास्ट ब्लॉक इन आर कॉलेज जो कि बस CSE स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर. बहुत दूर है यार, इतना दूर लाइक बर्दाश्त के बाहर हो जाता है यहाँ तक चल के आना. आना जाना हो गया, अब पेट में चूहा ज्यादा दौड़ रहा है तो पहले वो पेट पूजा करेंगे. गाइस देखो हमारा खाना लग चुका है, मतलब वो निकाल दी और हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं. यार लिटरली देखिए यार, इन लोग को पापड़ मिलता है, मतलब ये पापड़ है वो मत समझना बेल्टेक वालों, ये वो नहीं है बड़ा बड़ा सा जो हमको मिलता है वो नहीं, ये सच का पापड़ ही है भाई. आई एम इम्प्रेस्ड है, इन लोगों का खाना इतना अच्छा होता है ना, और हम लोग का खाना उतना ही घटिया, महा घटिया, खा नहीं पाओगे खाना, मतलब एक रोटी खाओ उसके बाद फेंक दो, ऐसा कंडीशन है. रोटी तो एक तो पापड़ होता है, इनका रोटी देख भाई साहब इतना पका हुआ भाई, हम लोग का कच्चा होता है रोटी. ओहो, और ये भिंडी का भुजिया फेवरेट, दाल चावल रोटी. गाइज ये देखो ग्रीष्मा का सुपर समर मोमेंट. अच्छा ये मेरा भी है, कोई नहीं गाइज, सुपर समर मोमेंट इस चलते हैं. गाइज टाइम आ गया है कि ग्रीष्मा को हम बोलेंगे बाय बाय, क्योंकि इसका एग्जाम अब शुरू ही होता है 5 o'clock. कॉलेज ऐसा है जिससे एग्जाम चलता है 5 PM to 9 PM, तो इसको आप बोलेंगे भाई भाई क्योंकि मेरा एग्जाम खत्म और हम भयानक टायर्ड है और 3:51 हो गया. अभी एक घंटा आराम करेगी और फिर बैक टू कॉलेज क्योंकि इसका एग्जाम है, फिर एग्जाम देने के बाद. तो करते हैं ग्रीष्मा को बाय बाय.